नमस्कार। आज हम बात करेंगे परंपरागत भारतीय समाज के मूल आधारों पर। अगर हमको आ रहा लेक्चर अच्छा लगता है आपको तो आप सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको और डिटेल में जानकारी समय समय पर मिलती रहे। मेरा नाम डॉक्टर रविंद मंसल, एसोसिएट प्रोफेसर BCB रुहेलखंड यूनिवर्सिटी। अब इस टॉपिक से संबंधित कुछ किताबें आप लिखिए ताकि आगे विस्तृत रूप से आपको ये जानकारी और मिल सके। भारत में समाज, मोतीलाल गुप्ता। इंडियन सोसाइटी, SC दुबे। सोसाइटी इन इंडिया, डेविड मेंडलबाम। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, PN प्रभु। इंडियन सोशल सिस्टम, राम आहूजा। और द क्राइसिस ऑफ इंडिया, रोनाल्ड सीगल। बात आती है परंपरागत भारतीय समाज की। परंपरा जो कि किसी स्थान का आधार हो, भारत परंपराओं का देश रहा है। आज अगर भारत को समझना है तो परंपराओं को समझना होगा। जब तक कि हम परंपराओं को नहीं समझेंगे तब तक हम वर्तमान को नहीं समझ सकते। वर्तमान को समझने के लिए परंपराओं का गहन अध्ययन जरूरी है। तो इस तरह से भारत के जो मूल आधार हैं वो परंपरागत भारतीय समाज के क्या हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। सहिष्णुता एक आधार रहा है, सहिष्णुता, टॉलरेंस, उदारता। भारत ऐसा देश है जहां पर अतिथि का सत्कार होता है, उसको भगवान माना जाता है। अगर किसी के घर कोई अतिथि आता है तो उसके आदर सत्कार के लिए पूरा परिवार एकजुट रहता है। यहां पर भारत में अनेक संस्कृतियां आई, वो यहीं की होके रह गई। अनेक धर्म के लोग आए, वो यहीं क्यों के रह गए, क्योंकि उनको उचित सम्मान मिला। यहाँ पर अनेक विचारधाराओं का भी उचित सम्मान है। इस तरह से भारत एक सहिष्णु राष्ट्र है। एक आधार हम कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, परंपरागत भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के आधार पर सिस्टम चलता था। यानी वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी खुली व्यवस्था थी जिसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से आ सकता था, जा सकता था। ऐसा माना जाता था किसी सिस्टम को चलाने के लिए चार वर्णों की जरूरत है। पहला है जो कुछ ज्ञान है हमारे पास, उस ज्ञान को अगर हम आने वाली पीढ़ियों को नहीं देंगे तो वो ज्ञान कैसे मिलेगा आने वाली पीढ़ियों को, वहीं रुक जाएगा। इसके लिए एक ऐसा वर्ग होना चाहिए जो इस ज्ञान का ट्रांसफर करे, अर्थात पढ़ने लिखने का काम करने वाला वर्ग। इसलिए इसको ब्राह्मण वर्ण कहा गया। ब्राह्मण वर्ण जिसका काम पढ़ना पढ़ाना, अर्थात ज्ञान लेना और ज्ञान देना, दान लेना और दान देना, इस तरह से ब्राह्मण वर्ण का कहा गया। इसके अलावा किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उसकी सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है धन दौलत, उसकी सुरक्षा अगर नहीं होगी तो लोग लूट के ले जाएंगे, ऐसे में वो सिस्टम नहीं चल पाएगा। इसलिए ज़रूरी है एक ऐसा वर्ग जो इस काम को कर सके, सुरक्षा का काम, वो रखा गया क्षत्रिय वर्ण, जिसका काम था सबकी सुरक्षा करना और दान देना। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक ऐसे वर्ग की भी ज़रूरत है जो कि वितरण का काम करे, उत्पादन का काम करे, पशुपालन का काम करे, क्योंकि बिना उत्पादन के, बिना वितरण के, बिना पशुपालन के लोग कैसे काम करेंगे, क्योंकि जब तक कि पेट की भूख शांत नहीं होगी तब तक तो भजन भी नहीं हो सकता। इसलिए एक ऐसे वर्ग को बनाया जाए जो इस सब कामों को करे, तो वो रखा गया वैश्य वर्ण। इसी तरह से उपरोक्त सभी की सेवा करने के लिए, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ग था, जिसको कहा गया कि वो सभी की सेवा करें, क्योंकि ऐसे वर्ग का होना भी जरूरी है, उसको रखा गया शूद्र वर्ण में। एक तरह से ये एक ऐसी व्यवस्था थी, समय के परिवर्तन के साथ साथ ये बाद में कब जाति में परिवर्तित हुआ, कौन से ऐसा माहौल रहा, एक अलग बिंदु है। जब वर्ण व्यवस्था पर डिटेल में बात करेंगे उस समय इसका जिक्र करेंगे। दूसरी व्यवस्था आश्रम व्यवस्था। परंपरागत भारतीय समाज का एक मूलाधार रही है
आश्रम। ऐसा माना जाता था कि मनुष्य का जीवन 100 साल का होता है। इन 100 सालों को कई भागों में बांटकर इस व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। एक वर्ग जो कि बचपन से लेकर अपनी लाश तक रहता है, कोई भी वर्ग की बात हम करते हैं, उसी तरह से हम आश्रम में मनुष्य के जीवन को बांट सकते हैं। पहला 25 साल, 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा, जीवन के 25 साल ब्रह्मचर्य में रह के अपना यापन करेगा, यानी पढ़ने लिखने का काम करेगा, शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देने का काम करेगा, क्योंकि आराम करके पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती। तो ब्रह्मचारी को अनेक तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जीवन भर रहने के लिए अपने आप को तैयार करे, क्योंकि जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, तो जीवन आगे कैसे चलेगा। तो ब्रह्मचारी बचपन में 25 साल रहकर वो उसमें जीवन यापन करता था, तमाम तरह के, मैंने कहा ऐश्वर्य से, यानी AC से दूर रहे, तमाम तरह की सेंट से दूर रहे, तमाम तरह की पिक्चर्स से दूर रहे, इसी तरह से, यानी वो पढ़ लिख सकता है। जब 25 साल पूरे हो जाए, पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए, ऐसी स्थिति में वो अपने आप को गृहस्थ आश्रम, यानी विवाह संस्कार के जरिए वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके वो व्यक्ति एक तरह से अपने आप को गृहस्थ में रहकर तमाम तरह के ऋणों से ऋण होने के लिए तमाम तरह के यज्ञ करे। अर्थात गृहस्थ आश्रम एक सबसे श्रेष्ठ आश्रम कहा गया है, क्योंकि इसमें रहकर ही वो समाज में अनेक तरह के कर्म कर सकता है, वो समाज को एक आगे बढ़ाने का काम कर सकता है, प्रजनन क्रिया कर सकता है, क्योंकि समाज के लिए जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियों को उत्पन्न करे। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज में ऐसा इस पड़ाव का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रजनन क्रियाएं नहीं होंगी तो समाज आगे कैसे चलेगा। इसी तरह से जब बच्चों के बच्चे उत्पन्न हो जाए, तमाम तरह के कामों से निवृत्त हो जाए, ऐसी स्थिति में अपने आप को भगवान में लगाना चाहिए, क्योंकि उसको तो मोक्ष प्राप्त करनी है। ऐसी स्थिति में वो उसको वन को गमन करना चाहिए, अपने आप को तमाम तरह के माया मोह से दूर होने का प्रयास करना चाहिए, यानी अपने आप को संन्यास आश्रम के लिए तैयार करना है। तो वन में रहकर वो सादा जीवन यापन करे और तमाम तरह के ऐश्वर्य से दूर रहने का प्रयास करे। जब वो तैयार हो जाए ऐसी स्थिति में, और उसकी एज लगभग 75 साल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसको अपने आप को संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। एक सन्यासी के लिए कहा गया है वो आराम से दूर रहे, एक पर्टिकुलर स्थान पर एक दिन से ज़्यादा ना रहे, भिक्षा मांगकर भोजन करे। जो व्यक्ति किसी के यहाँ भिक्षा मांगने जाए, भिक्षा न मिलने पर मन में मलाल ना होने दे, उसको श्राप ना दे, वो व्यक्ति वास्तव में सन्यासी कहलाता है। इस तरह से ये व्यवस्था एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी, जिसमें आश्रम को 4 भागों में बांट के, जैसा कि मैंने कहा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इसके साथ साथ ऋण, जब व्यक्ति जन्म लेता है उस पर 3 ऋण उधार रहते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। ऋषि ऋण क्या है, जो कुछ ज्ञान हमको मिला है, जिसने ज्ञान दिया है वो उनका कर्ज हो गया ना, उनका ऋण हो गया, इस ऋण से उऋण होने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसको प्रयास करना है। देव ऋण क्या है, हम जहाँ पर रह रहे हैं, चारों तरफ हवाएं चल रही हैं, धूप मिल रही है, फसलें लहला रही हैं, तमाम तरह की ऐस अगर मिल रही है, तो उन सबका कर्ज है देवताओं का, उनकी कृपा से ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो ऐसा ना होता। इसी तरह से देवताओं के ऋण से उऋण होना है। पितृ ऋण, हमारा जो अस्तित्व, हमारा जो जन्म हुआ है वो पूर्वजों के कारण हुआ है, पितरों के कारण हुआ है, उन पितरों से ऋण उनका चुकाने के लिए वहां पर हमको भी प्रयास करना है। इसी तरह से यज्ञ, इन ऋणों से
ऋण होने के लिए प्रत्येक गृहस्थी यज्ञ करता है। पंच महायज्ञ बताए गए हैं, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नर यज्ञ और हम कह सकते हैं इन पंच महायज्ञों की जब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, नर यज्ञ और ये यज्ञ कहाँ किए जा सकते हैं? गृहस्थ आश्रम में। ऋषि यज्ञ क्या है? जो कुछ ज्ञान है वो आने वाले पीढ़ी को देना। इसके साथ साथ देव यज्ञ, देवताओं की स्तुति करने के लिए यज्ञ होम करना। पितृ यज्ञ एक पर्टिकुलर पक्ष में, एक पर्टिकुलर समय में उन पितरों को दान देना, ब्राह्मणों को भोजन कराना। भूत यज्ञ जो प्राणी हैं उन प्राणियों के भोजन का इंतजाम करना, जो भी प्राणी हैं, क्योंकि ये काम कर सकता है केवल गृहस्थी, क्योंकि उनकी सेवा कौन करेगा, उनके भोजन का इंतजाम कौन करेगा। यानी भूत का मतलब यहाँ पर वो वाला भूत नहीं है, प्राणियों से संबंधित है। इसी तरह से नरयज्ञ अतिथियों, जो भी अतिथि, अतिथि का मतलब ये नहीं कि जो फोन करके आए, जो अचानक आए, ऋषि आ जाए, उनको उनके भोजन का इंतजाम करना, उनका सम्मान करना, वो नरयज्ञ। इसी तरह से संस्कार, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा माना जाता था को अपने जीवन से लेकर अपने अंतिम समय तक संस्कार का पालन करना चाहिए, संस्कार के हिसाब से चलना चाहिए। संस्कार क्या है? एक तरह से ट्रेन करना, पवित्र करना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब हम कपड़े लेते हैं और कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उन पे हम खूब साबुन लगाते हैं और साबुन लगाने के बाद उनको फिर पानी में डुबोते हैं, तो एक तरह से ये प्रक्रिया करने के बाद वो कपड़े अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। इसी तरह से जब हमको कोई जॉब करनी होती है तो उससे पहले हम ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग करके हम तैयार हो जाते हैं, हमको पता चल जाता है कि ये कार्य कैसे करना है। तो इस तरह से हम ट्रेन करते हैं, पवित्र करते हैं, तैयार करते हैं, अर्थात उनका संस्कार करते हैं। गेहूँ पिसवाने से पहले हम उसको धोते हैं अच्छी तरह से, उससे पहले वो खेत में लाके उसकी भूसी अलग करते हैं, उसको धोते हैं, साफ करते हैं, तब वो चक्की में पिसा जाता है। यानी कह सकते हैं हम उसका संस्कार करते हैं। इसी तरह से अलग अलग लोगों ने समय समय पर अनेक संस्कारों का जिक्र किया है। तो मनुष्य के जीवन में किसी ने 16 संस्कार की बात कही है, किसी ने 13 संस्कार की बात कही है। इन्हीं जन्म के पहले से संस्कार होते हैं, इनमें गर्भाधान, पुंसवन, इन सब के संस्कारों की बात भी कही गई है। इसके अलावा सीमंत उन्नयन, जब हम संस्कार के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे उस समय इस पर बात करेंगे। जो मेन संस्कार हैं, उपनयन संस्कार है, विवाह संस्कार है, इन संस्कारों के जरिए व्यक्ति तैयार होता है। जैसे अब उपनयन संस्कार के बाद वो एक तरह से प्रवेश करता था, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। यानी ऐसा माना जाता था कि उपनयन संस्कार के बाद वो पढ़ने लिखने के तैयार हो जाता था। उपनयन संस्कार में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए ये संस्कार बताया गया है। व्यक्ति जैसे 8 साल की एज में ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए 11 साल की एज में, वैश्य के लिए 12 साल की एज में ये उसमें प्रवेश करे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है संस्कारों से वो तैयार हो जाता है। इसी तरह से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए विवाह संस्कार, यानी विवाह संस्कार के जरिए वो वास्तव में, चूंकि अगर ये संस्कार नहीं होते, संस्कार के बिना वो प्रवेश करने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में गलत है। संस्कार के बिना ही वर्तमान समय में जो गतिविधियां हो रही हैं, ये जो महामारियां आ रही हैं, ये तो परेशानियां आ रही हैं, इसका कारण है संस्कार ना होना, ट्रेन ना होना, पवित्र ना होना। तमाम तरह की परेशानियां देश में, संसार के अनेक स्थानों पर कि संस्कार नहीं हो रहे। इसके साथ ही साथ हम एक मूल आधार रहा है जाति। जाति क्या है? जाति एक बंद वर्ग है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति एक बार आने के बाद उससे बाहर नहीं निकल सकता। और आने का आधार है जन्म। जिस घर में आपने जन्म ले लिया वहीं से आपकी जाति निश्चित हो गई।
जिस घुरिये साहब ने बहुत अच्छी ढंग से इसको समझाने का प्रयास किया है कि ये एक खंडात्मक विभाजन है, इसका खंडों में बटी होती है अनेक जाति, उसमें हायरार्कियल सिस्टम होता है, यानी संस्तरणात्मक व्यवस्था रहती है। कोई बड़ी जाति जाति है, कोई छोटी जाति है, कोई तीसरे नंबर की जाति है, कोई चौथे नंबर की जाति है, यानी इस तरह जाति की संस्तरणात्मक व्यवस्था है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, ये हायरार्की बनी हुई है। जातियों में ऊंच नीच का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है, एक तरह से खान पान का प्रतिबंध भी दिखाई पड़ता है, उसमें छुआछूत की बात भी आती, खान पान की बात भी आती, कौन किसके साथ बैठ के खाना खाएगा ये भी निश्चित है। उसमें एक तरह से देखा जाए कि वैवाहिक प्रतिबंध भी है, यानी कौन किसके साथ मैरिज करेगा ये निश्चित है। ये एक व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर जाति का है उसको उसी जाति में मैरिज करनी चाहिए, ऐसा माना जाता है कास्ट सिस्टम में, यानी वहाँ पर कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि सोसाइटी उसकी आज्ञा नहीं देती। इसी तरह से व्यावसायिक प्रतिबंध भी है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही व्यवसाय में के अनुसार चलना है। लोहार का लड़का लोहारगिरी करेगा, कुम्हार का लड़का कुम्हारगिरी करेगा, यानी कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपने जाति के निश्चित व्यवसाय को ही करना है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ स्थानों पर प्रतिबंध भी हैं जाने के, जातियों के आधार पर, जैसे कि गांव में कुएं निश्चित किए गए थे, उनके कारण बाद में ये व्यवस्था धीरे धीरे उसमें परेशानी आने लगी। वो बात अलग है कि वर्तमान समय में जाति व्यवस्था के जो ये लक्षण बताए जाते हैं, ये लक्षण लगभग धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और ये वर्तमान में इस रूप में नहीं है। इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। कर्म और पुनर्जन्म, भारत में कर्म और पुनर्जन्म पे विशेष जोर दिया गया था। ऐसा माना गया था कि व्यक्ति अगर कर्म के अनुसार चले तो वो वर्तमान को बदल सकता है। पुनर्जन्म भी माना गया है कि व्यक्ति पिछले जन्मों में बुरे कर्म करने के आधार पर ही इस जन्म में उसने ये जन्म मिला। कर्म में संचित कर्म है, प्रारब्ध है, क्रियमाण है, इनके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। पुरुषार्थ, प्रत्येक व्यक्ति धर्म अर्थ काम और मोक्ष के आधार पर रहेगा, यानी जो व्यक्ति पुरुषार्थी होगा वो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त होगा। ऐसा माना जाता है कि धर्म बुद्धि से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को भूख लगी तो उसको क्या है, कर्म करना है, काम करना है। उसका मन कहता है काम करो तभी आप अपने शरीर की भूख शांत करो। शरीर जुड़ा हुआ है अर्थ से, शरीर को भूख लगी यानी अर्थ है, यानी उसको पैसे की जरूरत है। पैसा कहाँ से आएगा, काम से। काम करेगा तब वो पैसा मिलेगा, और इस तरह से बुद्धि कहेगी काम करो तभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और दिस बात कह सकते हैं अनेकतामिकता, यहाँ पर अनेक धर्म के लोग, अनेक जाति के लोग, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, और लेकिन फिर भी सब एक हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं भारत में अनेकता में एकता है। अनेक भाषाएं हैं, अनेक रीति रिवाज हैं, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भौगोलिक आधार पर विभिन्नता है, रेस के आधार पर विभिन्नता है, लेकिन फिर भी भारत एक है। अब हम इसमें आगे चलकर एक एक जो मूलाधार है उसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।